25 साल से आपके ऊपर भी पागल बन के अटैक होते थे। मेरी हालत इतनी दुर्गति थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कलेशियों में बांध के रखते थे घर पे, बहुत गलत गलत हरकत करते थे, कपड़े खोल देते थे कि लोग मुझे भी बोलते थे कि ये पागल है छोड़ दे। फिर ये जब डाइवोर्स के बारे में जब कोर्ट गए, डाइवोर्स का पेपर मेरे पास आया और इस भाई को BCCL में भारत कुटी कोल लिमिटेड कंपनी में एज ए क्लर्क गवर्नमेंट जॉब के साथ भी ब्लेस किया है। एक पागल व्यक्ति को परमेश्वर ने ऊंचा किया। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रीति देवी। कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड धनबाद। ब्रदर आप बताए क्या नाम है आपका? महेंद्र रजक। कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड धनबाद। झारखंड के। आपके परिवार में पिछले 56 ईयर से 56 सालों से 3 पीढ़ियों से आपके परिवार में पागलपन का श्राप काम कर रहा था। यस मैम। कैसे ये आपके परिवार में शुरू हुआ, किसको पहले हुआ, आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। मेरे पहले दादा को होता था, उसने पागलपन किया करता था, शराब पीते थे, ड्यूटी में जाने के बाद सो जाते थे, सोने के दरमियान में उसकी एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट होने के बाद वो मृत घोषित होके पुनः पापा जी को सर्विस हुई, सर्विस के दौरान उनको भी वही सेम कंडीशन रही, शराब पीते थे, पागलपन करते थे, मारपीट, गाली गलौज सारेपन करते थे, पुनः मेरे सेम डिटो मेरे पे आ गया और मैं भी उसी तरह पागलपन करने लगा। बोर्ड एग्जाम देने के बाद मेरे पर पागलपन हो गया, मेरे को लगता था कि किसी को मारूं, गाली दूं। जब आपके आपके दादाजी के ऊपर ये पागलपन के अटैक होने शुरू हुए 1968 में, तो उसके बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। यस। इसी पागलपन की वजह से। यस। और 1991 में आपके फादर के ऊपर सेम अटैक हुए। यस। उनको क्या हुआ था? उनको हुआ था कि पागलपन होने के बाद वो घर से निकल चुके थे, जो अभी तक घर पे नहीं आए हुए हैं। तो उसके बाद 25 साल से आपके ऊपर भी पागलपन के अटैक होते थे। यस सर। आप खुद बताएं आपकी हालत उस वक्त कैसी थी, क्या होता था आपको? मेरी हालत इतनी दुर्गति थी कि मैं बता नहीं सकता हूं कलेशियों में, कि मैं बिल्कुल पागलपन इतना करता था कि मैं बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि नंगा हो जाता था, कपड़े खोल देता था, मारता था, पीटता था, गाली ग्लौज करता था और इतना गंदे हरकत करते थे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन आज मैं घर से भाग जाते थे और लोगों से बाहर भिखारियों की तरह खाना मांगते थे आप। यस। आप बताएं बहन, आपने अपने हस्बैंड को देखा ऐसी हालत में, आप बताएं कि क्या इनके साथ होता था उस वक्त? मेरी शादी 2015 में हुई थी और उसके 2 साल बाद इनको शैतान अटैक करता था, और ये जब अटैक होता था तो ये घर से निकल जाते थे भिखारियों की तरह, रोड में जाके किसी से 5 रुपया, किसी से 2 रुपया मांगते थे और दुकान में जाके खाते थे। उसके बाद फिर बहुत लंबे टूर में निकल जाते थे, कहीं रांची की रोड में चले जाते थे गाड़ी लेके, और किसी को पता भी नहीं रहता था। फिर दूसरे को पता चलता था तो फिर वो घर तक ला के छोड़ जाते थे। और आप जब मैरिज हुई तो उसके बाद से आपने इनकी हालत को देखा, इनको जंजीरों से बांध कर रखते थे घर पे। बांध के रखते थे घर पे, बहुत गलत गलत हरकत करते थे, कपड़े खोल देते थे, कोई भी सामान सामने रहता था तोड़ देते थे, सबको मारते थे। पड़ोसी क्या बोलते थे इनकी हालत को देख के? पड़ोसी इन्हें पागल बोलते थे कि ये पागल है, इसे पागल खाने में ले जाओ, इसे छोड़ दो और इसे पागल खाने में रांची में भर्ती कर दो, और इनका तो दवा भी नहीं चलता था पागल खाने से, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी थी कि उनको कभी ये उनको गालियां निकाल देते थे, उनसे मारपीट करना शुरू कर देते थे। हाँ। और किसी के घर में भी जाके घुस जाते थे, वे विचार करते थे दूसरे, और इसी कारण जो इनकी हालत इतनी खराब हो गई, और लगातार इनका इलाज भी चलता था साथ में। यस। 25 साल इन्होंने लगातार इलाज करवाया, दवाइयां खाई। आप बताएं ब्रदर, आपने जब मेडिसिन खाई उसके बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक्चुअली मैं धनबाद में बीएन सिंह था, वो मेरे लमसम 12 से 15 साल चलाई, और उनकी जब डेथ हो गए थे उन्होंने बताया था कि तुम भेलौर चलो जाओ। भेलौर जाने के बाद लमसम 2.5-3 लाख रुपया खर्चा किया, और उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि तुम एक दिन भी दवाई नहीं खाओगे तो बिल्कुल नहीं सही रह पाओगे। मैं प्रभु को
धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं बिल्कुल दवा नहीं खा रहा हूँ और भले चंगा हूँ। धन्यवाद करो, धन्यवाद। तारीफ करें पहले परमेश्वर की। इनकी गवाही इतनी बड़ी है कि इतने सालों से, 56 सालों से इनके परिवार के ऊपर पागलपन का कर्ज था और ये भाई 25 साल पागल रहे। आप इमेजिन करेंगे, जो व्यक्ति भिखारियों की तरह रोड पे चले जाना, गाड़ी आती है, बाइक आता है, किसी चीज की परवाह नहीं, अपने घर से भाग जाना, पड़ोसियों को गाली निकालना, अपने कपड़े उतार देना, मतलब ऐसी हरकतें करते थे, पूरी तरह से पागल हो चुके थे और लोग भी कहते थे कि इनको पागलखाने छोड़ आओ। आप बताएं बहन के, जब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, आपको क्या बोलते थे? आपको बोलते थे डाइवोर्स देने के लिए? जी, मुझसे भी डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो गए थे। और इनकी ऐसी हालत को देख के आपके मन में भी खुद से ज्यादा था कि मैं सुसाइड कर लूं? जी, मुझे भी लगता था कि मैं भी छोड़ दूं, क्योंकि लोग मुझे भी बोलते थे कि ये पागल है, छोड़ दे, इसके साथ नहीं रहना है। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? फिर ये जब डाइवोर्स के बारे में, जब कोर्ट गए, डाइवोर्स का पेपर मेरे पास आया, तो फिर मैं अपने फ्रेंड को बताई, आस्था को, वो बताई मुझे कि तू प्रभु पे विश्वास करेगी, तो मैं बोली हाँ। तो प्रभु के बारे में बताए, उसके बाद इस खामरा चर्च के बारे में बताए, उसके बाद फिर मैं चर्च जाने लगी, प्रभु पे विश्वास करने लगी, मेरा जीवन में सब कुछ सही हो गया। और इस बहन ने खुद अपने हस्बैंड के लिए ले हैंड फॉर्म जब भरा, रजिस्ट्रेशन करवाई, तो 16 फरवरी 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर, इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। भाई आप बताएंगे, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो आप क्या हुआ उसके बाद, क्या आपने महसूस किया? मेरे को बिल्कुल भले चंगे के फील हुआ है, मेरे लगा कि मेरे को कुछ पवित्र आत्मा में पाया हूँ। आप बताएं बहन, उसके बाद इनका बिहेवियर कैसा था? जब इनके ऊपर ले हैंड हुआ, तो जब इनके ऊपर ले हैंड हुआ उसके बाद ये फिर भले चंगे हो गए यहाँ से। जब मैं इन्हें लेकर गई तो ये ठीक हो गए थे बिल्कुल। और उसी दिन इन्होंने बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा हाँ, लिया। ये खुद बोले कि मैं बैप्टिज्म लूंगा। तारीफ करें जोर से। और उस दिन के बाद से ये पागलपन के अटैक से पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। आप बताएं, आपको कोई पागलपन का अटैक नहीं होता अभी? पागलपन का कोई अटैक आवाज नहीं होती है और मैं भले चंगा हूँ। प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद तथा प्रभु। आप बताएं बहन, कितने समय से ये पूरी तरह से आजाद है अभी? 6 महीने से ये आजाद है पूरी तरह से, और कोई पागलपन का अटैक नहीं है? कोई पागलपन का अटैक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात के, जब परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और इस भाई को BCCL में, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी में एज ए क्लर्क गवर्नमेंट जॉब के साथ भी ब्लेस किया है। एक पागल व्यक्ति को परमेश्वर ने ऊंचा किया। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। जोर से ताली के साथ आप इमेजिन करेंगे, एक पागल व्यक्ति जिसको जंजीरों के साथ बांध के घर में रखा जाता है, रस्सियों के साथ बांध के घर में रखा जाता है और पूरी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है। पागल व्यक्ति जिसको कोई होश नहीं, वो भी 2-4 साल से नहीं, 25 साल से पागल, भाग जाना घर से, जंजीरों के साथ बांध के रखना, पकड़ पकड़ के रखना, और कोई शुद्ध बुद्धि, कोई होश नहीं, सब कुछ लाइफ जो तो खत्म हो चुकी थी। जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर की सामर्थ के साथ सामना हुआ, परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, तो आज ये भाई पूरी तरह से डिलीवर है, आजाद है, पूरे परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया इस नए जीवन के लिए। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ, आनंद के साथ, सबसे परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।